अगर आपने अभी तक यूनिवर्स टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और बाजू में जो घंटी वाला बटन है उसे भी दबाना मत भूलिए, ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शायन, आप देख रहे हैं यूनिवर्स टेक्निकल। यूनिवर्स टेक्निकल पे आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं निकॉन का एक कैमरा है जो मैंने पेटीएम से मंगवाया है, निकॉन कूलपिक्स A100 20.1 मेगापिक्सल जो है इसका कैमरा है। तो आज हम इस वीडियो में इसी की अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे कि कैमरा क्वालिटी कैसा है, कैमरा का इमेज क्वालिटी कैसा है और क्या क्या एक्सेसरीज जो है हमें कैमरा के साथ मिलती हैं। तो बिना वेस्टेज ऑफ टाइम चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो ये कैमरा है ये 20.1 मेगापिक्सल का एक कैमरा है निकॉन की तरफ से, और ये कैमरा जो है मुझे पेटीएम पे लगभग 4700 रुपये के आसपास मिला। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका जो बाइंग लिंक है वो दे दूंगा। ये बेसिकली ये नॉन एफिलिएट लिंक है दोस्तों, मैं पहले ही बता देना चाहूँगा, कई लोग सोचेंगे कि जो है मैं इससे पैसा कमा रहा हूँ। तो यहाँ पे पैकेट को जो है हमने खोल लिया है, अब इस पैकेट को भी चलिए जल्दी से खोल लेते हैं और देखते हैं कि कैसा कुछ क्या है। सबसे पहले जो है यहाँ पे एक बॉक्स निकल के आ रहा है, देखते हैं कि बॉक्स के अंदर इन्होंने क्या दिया हुआ है। तो ये निकल जा निकल गया, तो चलिए पैकेट को रखते हैं साइड में और देख लेते हैं कि बॉक्स के अंदर जो है क्या है। और ये बॉक्स जो है हमारा खुल गया। अरे इसके साथ एक घड़ी दिया हुआ है दोस्तों फ्री में, तो आप देख सकते हैं घड़ी कुछ इस तरीके की जो है दिख रही है आपको। बिल्ड क्वालिटी वाइज तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, घड़ी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है यहाँ पे, जो निकॉन की तरफ से गिफ्ट के तौर पे दिया गया हुआ है, और बस कुछ खास नहीं है, बस यही है। तो चलिए इस बॉक्स को भी देख लेते हैं बॉक्स कैसा है। ये देखिए बॉक्स कुछ ऊपर से इस तरीके का आपको दिख रहा होगा, इसको भी साइड में रख देते हैं। अब चलते हैं कैमरा की ओर। कैमरा की अगर हम बात करें तो इस पैकेट का भी थोड़ा सा जल्दी से इसको भी खोल लेते हैं और देख लेते हैं कि कैमरा क्या कैसे खुल गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉक्स के सामने कुछ इस तरीके का आप देखने को मिलेगा कि कैमरा का एक बड़ा सा पिक्चर है। यहाँ पे तोशिबा का एक मेमोरी कार्ड फ्री है 16 GB वाला, 16 GB वाला क्लास 10, और ये देख सकते हैं, और कैरिंग केस भी फ्री है। तो साइड की अगर बात करें बॉक्स की तो यहाँ पे कूलपिक्स लिखा गया हुआ है A100, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे सामने की अगर बात करें यहाँ पे भी कूलपिक्स A100 लिखा गया हुआ है, और 2 साल की वारंटी आपको मिल जाती है इस कैमरे के ऊपर। यहाँ पे साइड पे भी वही सेम, पीछे कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखे गए हुए हैं कि कैमरा कैसा है, कलर वगैरह, और क्या क्या फीचर्स हैं इसके अंदर, एक्सेसरीज भी क्या है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं बॉक्स को ओपन। उससे पहले ये देखिए एक पाउच भी दिया गया है निकॉन की तरफ से। ओ हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कैमरा है यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन चाइना, बाय द वे बताना भूल गया था मैं, सॉरी। तो यहाँ पे ये कैरिंग केस भी दिया है निकॉन की तरफ से एक, तो चलिए जल्दी से इसको खोल लेते हैं और ये सील को हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। ये ब्रेक हो जा ये इस तरीके से, तो यार ब्रेक नहीं हो रहा, रुक जाइए एक बार ट्राई करते हैं। और ये खुल गया, ये पहली बार जो है मैंने एक सील विदाउट नाइफ खोला है दोस्तों, ये खुल चुका है और ये खुल गया। बॉक्स को ओपन करते ही आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो गाइड जो होते हैं वो मिल चुके हैं हम लोगों को। तो देख लेते हैं क्या क्या मिलता है। सबसे पहले निकॉन की तरफ से जो ये एक कार्ड टाइप जो मिलता है वो है क्या, और यहाँ पे ये है वारंटी कार्ड निकॉन कूलपिक्स A100, और ये मोटा सा एक यूज़र गाइड जो कोई नहीं पढ़ता, बेकार की चीज़ें होती हैं, इसको भी रख देते हैं साइड में। यहाँ पे और कुछ देखते हैं क्या है। यहाँ पे ये एक काम की चीज़ है दोस्तों, इस केबल के थ्रू आप अपने जो कैमरा है उसको टीवी में भी जो है डाल सकते हैं, वीडियो फोटो वगैरह जो है टीवी में भी आसानी से डाल सकते हैं इस केबल के थ्रू। ये आपके कैमरा में लगेगा ये वाला पार्ट, और ये जो बाकी के जो दो आप देख रहे हैं वाइट देख रहे हैं दो, ये टीवी में जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चार्जर जो है यहाँ पे दिया गया हुआ है, ये एक बेसिकली 5 वोल्ट का चार्जर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेटिंग जो है 5 वोल्ट दिया गया हुआ है आउटपुट, तो ये एक 5 वोल्ट का चार्जर है, ये भी मेड इन चाइना है दोस्तों। तो जो भी हो चलिए इसको भी रख देते हैं साइड में और देखते हैं क्या कुछ है। और यहाँ पे ये जो चार्जिंग केबल है या डाटा केबल जो भी बोल रहे हो वो है, और ये एक स्ट्रैप जो पाउच के साथ लग सकता है, इसको भी साइड में रख देते हैं। अब चलते हैं मेन चीज़ कैमरा की ओर। ये है हमारा कैमरा, और यहाँ पे कुछ और भी है, और ये है बैटरी। बैटरी भी आप जो है देख सकते हैं दोस्तों, बैटरी बहुत ही छोटा सा बैटरी है, पर इससे जो है आराम से बहुत देर तक जो है आप रिकॉर्ड कर सकते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं बैटरी फोकस हो जा, हाँ फोकस जो है हो चुका है। ये कुछ इस तरीके का जो बैटरी आप देखने को मिल रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं।
इसको भी साइड में रख देते हैं। अब चलते हैं मेन चीज़ हमारी कैमरा की ओर। कैमरा जो है चल जल्दी से पाउच से निकाल लेते हैं दोस्तों, और ये जो है पाउच से निकल गया। देख सकते हैं कैमरा कुछ आपको इस तरीके का देखने को मिल रहा है दोस्तों। सामने की तरफ देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का है, स्टील कलर का है, तो आप देख सकते हैं स्टील या सिल्वर जो भी बोल लो। तो यहाँ पे बैटरी को डाल लेते हैं अंदर और देखते हैं कैमरा को जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि क्या कुछ है। और ये घुसा देते हैं अंदर, इसको थोड़ा हटाया, हाँ बैटरी का मुँह ठीक है, अब डाल देते हैं, ये डल गया, और बस अब इसको बंद कर देते हैं। और यहाँ पे जो है डलने के बाद ऊपर जो है आपको पावर बटन मिलेगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जो है पावर बटन है, इसको प्रेस कीजिए तो कैमरा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंग्वेज सिलेक्ट करने बोला है, इंग्लिश जो है सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग दोस्तों लैंग्वेज को। उसके बाद टाइम जोन सिलेक्ट करने को बोल रहा है कि कौन से रीजन में जो टाइम जोन है हम लोग रहते हैं, तो हम लोग इंडिया न्यू दिल्ली का सिलेक्ट कर लेते हैं जल्दी से। और ये हो गया, डेट एंड टाइम जो है ठीक करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे डेट एंड टाइम को भी ठीक कर लेते हैं दोस्तों। चलिए जल्दी से हो गया, और बस पर कैमरा जो है ओवरऑल मुझे अच्छा ही लग रहा है। अब भी आप देखो कि अगर आप लेना है तो लो, वरना ये मैंने बेसिकली कुछ वीडियोस और कुछ फ़ोटोज़ के लिए लिया है। वैसे तो मैं स्मार्टफोन से ही वीडियो बनाऊंगा, कभी कभार जो है मैं इससे ट्राई करने वाला हूँ। और ये जो है अभी हो गया, इसको करते हैं यस और डन। कैमरा आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का मिला है, कुछ सैम्पल शॉट मैंने लिए हुए हैं, ये रहे सैम्पल शॉट्स, ये देखिए ये नाइट में लिया हुआ है फ्लैश के साथ, ये भी नाइट में लिया हुआ है फ्लैश के साथ, मेरा दोस्त का फोटो है। और ये जो है दिन में लिया हुआ है विदाउट फ्लैश, और ये जो है दिन में ये भी फ्लैश के साथ, और ये क्लोज शॉट दिन में लिया हुआ है फ्लैश के साथ। तो ओवरऑल जो है मुझे कैमरा अच्छा ही लगा है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं यानी कि सायन विश्वास आपके लिए रोज़ाना ऐसे ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।